हाय, मैं हूं संजीव और आज हम लेके आए हैं यू यूफोरिया, जो यू ब्रांड का सेकेंड फ़ोन है और यू ब्रांड आके माइक्रोमैक्स की सब्सिडरी ब्रांड है। और आज हम पता करेंगे इस फ़ोन में ऐसा क्या है जो आप लोग इसको ख़रीदना चाहें। इसका प्लस देखेंगे, माइनस देखेंगे और ये फ़ोन के बारे में आपको टोटल रिव्यू बताएंगे। यूफोरिया आके 5 इंच का फ़ोन है और ये काफ़ी इसकी बिल्ड जो है काफ़ी खूबसूरत बनी हुई है। आपको ये साइड में मेटल के केसिंग मिलता है जो काफ़ी प्रीमियम लगता है। और अगर आप पीछे देखोगे तो यहाँ पे आपको इसका जो बैक का पैनल है वो प्लास्टिक का बना हुआ है और ये आपका बैक कैमरा का पोर्शन है। यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, उसके अलावा आपको फ्लैश भी मिलती है। यूफोरिया का जो एक प्लस पॉइंट जो है, इसका जो कैमरा का जो लेंस है और ये जो डिज़ाइन इन्होंने बनाया है ये काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। ये पूरा राउंड है और ये एकदम अलग दिखता है, बड़ा है और एक्चुअली इसके डिज़ाइन फैक्टर में ये काफ़ी एक अच्छी बात है, जो प्लस पॉइंट है ये फ़ोन का। और यहाँ पे आपको स्पीकर ग्रिल्स हैं और ये यू ब्रांड का ब्रांडिंग है। और आगे की तरफ आप देखोगे तो फिर से यहाँ पे भी यू ब्रांड का ब्रांडिंग है। और यहाँ पे इसके जो सॉफ्ट बटन्स ऑन स्क्रीन ही मिलेंगे आपको, एक्चुअल फ़ोन के यहाँ पे नहीं मिलेंगे द बॉडी पे। और अभी यहाँ पे आप देखोगे तो ये वॉल्यूम रॉकर बटन्स हैं ये, और इन दोनों के बीच में आपको मोबाइल को स्क्रीन ऑन ऑफ का बटन मिलेगा। और यहाँ पे टॉप में आपको मिलेगा 3.5 mm ऑडियो जैक का पोर्ट मिलेगा। और नीचे की तरफ आपको मिलेगा जो आपका चार्जिंग पोर्ट है आपका USB के लिए। का जो डिस्प्ले है वो 5 इंच का आता है, जो LCD IPS डिस्प्ले है और इसमें कॉर्नियन गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिलता है। और इसका जो रेजोल्यूशन है आपको 720 पिक्सल का है। और जब आप फ़ोन को आउटडोर में भी यूज़ करते हो तो फ़ोन काफ़ी ब्राइट और क्लियर है, आपको स्क्रीन को देखने में प्रॉब्लम नहीं होती, तो अच्छा स्क्रीन है, ये प्राइस रेंज में एक अच्छी बात है। अभी हम बात करेंगे इस फ़ोन के हार्डवेयर के बारे में। अगर हार्डवेयर की बात है तो इसमें आता है स्नैपड्रैगन 410 चिपसेट और उसके अलावा आपको क्वाड कोर प्रोसेसर आता है जो 1.2 गीगाहर्ट्ज़ का है। एड्रीनो 306 का GPU आता है, 2GB रैम और 16GB इंटरनल मेमोरी है और जिसको आप वाया मेमोरी कार्ड आप एक्सपेंड कर सकते हैं 32GB तक। और ये फ़ोन में आपको उसके अलावा मिलता है आपका रेगुलर जो FM है, बाद में आपको ब्लूटूथ वर्जन 4 है, इसमें Wi-Fi है, 4G कंपैटिबल है और इसमें ड्यूल सिम के ऑप्शंस हैं। अभी हम यूफोरिया के सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे। ये आता है सिनोजन 12 के साथ जो एंड्रॉयड लॉलीपॉप पे रन करता है। इसका एक्चुअल यूज़र इंटरफेस देखो तो आपको ये फील आता है कि ये स्टॉक एंड्रॉयड की तरह चल रहा है, बट इसमें सिनोजन के लिए आपको इसके काफ़ी डिफरेंट फील और फ्लूइडिक UI लगता है इसका, जो काफ़ी अच्छा लगता है। यूफोरिया का जो यूज़र इंटरफेस है वो एकदम आपको स्टॉक एंड्रॉयड की तरह है। और इसके कुछ अच्छे फीचर्स भी हैं, जैसे ऑडियो इफेक्ट्स, जिसमें आपको ऑडियो क्वालिटी आपकी एनचेंज होती है। अगर आप स्पीकर फोन में भी सुन रहे हो ऑडियो, काफ़ी अच्छा क्लियर और क्रिस्प साउंड रिप्रोडक्शन है। थ्रू ईयरफोन्स ऑल्सो आपको बहुत बढ़िया म्यूज़िक की क्वालिटी सुनाई देती है। और उसके अलावा आपको ये ट्रू कॉलर का ऑप्शंस दिया गया है इस फ़ोन में, जहाँ पे आपको अगर एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा है, अगर वो नंबर आपके फ़ोन में सेव नहीं है तो भी आपको उसका पूरा डिटेलिंग मिल जाती है। और ये काफ़ी बढ़िया फीचर लगा हमें। यूफोरिया का जो 1 मेगापिक्सल का कैमरा है वो काफ़ी अच्छी पिक्चर्स देता है, डे लाइट में तो बहुत बढ़िया खूबसूरत पिक्चर्स क्लिक हुई हमारे से। और
रात के वक्त जो हमने पिक्चर्स क्लिक की, अगर आपके पास आर्टिफिशियल लाइट ज़्यादा है अराउंड द सराउंडिंग तो आपको काफ़ी अच्छी पिक्चर्स आ जाती हैं, और उसकी जो फ्लैश है वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करती है और आपको अच्छे पिक्चर्स की क्वालिटी मिल सकती है। और बात करें इसके फ्रंट कैमरा की, जो 5 मेगापिक्सल का है, वो सेल्फी के लिए काफ़ी अच्छा कैमरा है, मतलब आपको डिसेंट पिक्चर्स मिल जाएंगी ये प्राइस रेंज के फ़ोन में। आप ज़्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे, बट क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं मिलेगी, बट फिर भी आप सेटिस्फाइड होंगे जब आपके पिक्चर्स क्लिक होंगे। यूफोरिया की बैटरी की बात करें तो ये फ़ोन आता है 2230 mAh की बैटरी के साथ, और इसकी बैटरी हमने पूरा दिन तक चलाई, हमने गेम्स खेले, उसमें ब्राउजिंग किया, FM, म्यूज़िक सब करने के बाद भी हमें पूरे दिन तक इसकी बैटरी ने साथ दिया। तो बैटरी के बारे में हम कहेंगे कि काफ़ी अच्छी बैटरी बैकअप है ये फ़ोन की, और इसमें और एक ऑप्शन है जो 0 to 50% बैटरी को चार्ज करने के लिए क्विक चार्ज में हो जाता है, जो आपको 45 मिनट्स में ऑलमोस्ट 50% फ़ोन चार्ज हो जाता है। सो ये और एक अच्छा ऑप्शन है ये डिवाइस का। यूफोरिया को हमने थोड़ा गेमिंग पे भी ट्राई किया, हमने कुछ ऐसे गेम्स प्ले किए जो हैवी थे, उसमें फ़ोन ने मॉडरेटली परफॉर्म किया, और हमें कुछ हीटिंग के भी आसार नज़र आए, बट वो मॉडरेट था जो आप उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं। आई वुड नॉट से कि ये फ़ोन ज़्यादा हीट होता है, बट गेमिंग में इसने डिसेंटली परफॉर्म किया, और हेवी गेम्स में भी अच्छा किया, और रेगुलर मॉडरेट गेम्स तो बहुत बढ़िया तरीके से हम खेल पाएँ। इसका जो स्क्रीन का क्वालिटी था, द वे द ग्राफिक्स ने यू नो दिखता है एंड ऑल दैट, एंड इवन द ओवरऑल यूजेज ड्यूरिंग द गेम हमें बहुत अच्छा लगा। यूफोरिया के इस्तेमाल के दौरान हमें कुछ मैसेजिंग इसमें हमें कुछ लैग नज़र आया, बट आई थिंक वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। आई प्रॉबली इसमें कोई बग्स का इशू, मतलब नए सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ओवरऑल एक डिसेंट फ़ोन है ये प्राइस रेंज में, बिल्ड क्वालिटी वगैरह भी अच्छी है, तो आई गेस यूफोरिया मार्केट में एक ये रेंज का बहुत ही डिसेंट और अच्छा परफॉर्मिंग डिवाइस है जो बायर्स को डेफिनेटली पसंद आएगा। ये है संजीव वखारिया, और अभी वक्त हो गया है आपसे अलविदा लेने का। ये मेरा सबसे पहला हिंदी वीडियो था, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, बताइए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। सो फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।